অসমত 70 লাখ বাংলাদেশী মুসলমান আছে। এই 70 লাখ মুসলমান বাংলাদেশী শীঘ্রে অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে। ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ভাৰত চৰকাৰে সেনা আৰু CRPF লগাই এওঁলোকক অসমৰ পৰা খেদিব লাগে। এই ভাষ্য বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ নেতা প্ৰবীণ তুগাৰিয়া। 70 লাখ বাংলাদেশী মুসলমান হে, মই চাহুঙ্গা কি ভাৰত চৰকাৰক যদি আৰ্মি লগানি পৰে, আৰ্মি BSF CRP লগাকৰ संपूर्ण सिक्योरिटी फोर्स को आसाम में लगाकर राज्य सरकार के सहयोग में यह बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को डिटेक्ट करके डिपोर्ट करने के काम में संपूर्ण भारत का सिक्योरिटी फोर्स का सहयोग लेना चाहिए। তুগাৰিয়াই লগতে অসম চৰকাৰক আহ্বান জনায় সর্বশক্তি প্রয়োগ কৰি চৰকাৰে বাংলাদেশী মুছলমানক বহিষ্কার কৰক। আসাম সরকার अपनी सभी शक्ति बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को दूर करने में लगाए। विश्व हिंदू परिषद इस विषय में आसाम सरकार का पूर्ण समर्थन। তুগাৰিয়াই সমূহ সত্ৰৰ পৰা মুছলমানক উচ্ছেদ কৰিবলৈ দাবী জনায়। आसाम के सभी सत्रों का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा सर्वे करवाकर सभी सत्र की प्रॉपर्टी या जमीन पर मुस्लिमों का एनक्रोचमेंट शीघ्र तुरंत दूर किया जाए। कानून के अनुसार भगवान नाबालिग है, सत्र भगवान का स्थान है और नाबालिग की प्रॉपर्टी पर इल्लीगल एनक्रोचमेंट तुरंत अन्य किसी प्रक्रिया के बिना करने का सरकार का संपूर्ण अधिकार है। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশী হিন্দু সন্দর্ভ তুগাৰিয়ার মন্তব্য আছিল সম্পূর্ণ পৃথক। ডিটেনশন সেন্টার মে বাংলাদেশী হিন্দুজ হে उनको रिलीज करके उनको लीगल सिटीजनशिप देने का काम केंद्र सरकार करे। অসমৰ কোন কোন জিলাত মুছলমান বাংলাদেশীৰ সংখ্যা বেছি তাৰো ব্যাখ্যা আগবঢ়াই তুগাৰিয়াই। ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, গোৱালপেটা মে সৰ্বাধিক इल्लीगल मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर है। वहां से एक भी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर आसाम के अन्य भाग में आकर सेटल न हो, वह मॉनिटर भी आसाम में किया जाए। জনসংখ্যা নীতি সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ গৈ তুগাৰিয়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাজ্যৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে অভিহিত কৰে। কমন পপুলেশ্যন का निर्णय करने का प्रयास उन्होंने शुरू किया है। मैं आसाम के चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दोनों को कहता हूं, हिम्मत से आगे बढ़ो और भारत में आसाम विल बी फर्स्ट स्टेट टू पास ए लॉ। आसाम विल बी फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास सच ए लॉ और बाद में हम भारत के सभी राज्यों से मांग करेंगे कि दो चाइल्ड टू चाइल्ड नॉर्म कॉमन पॉपुलेशन पॉलिसी एक्ट बनाओ। তুগাৰিয়াৰ এই বক্তব্যৰ পিছত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত যে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব সেয়া নিশ্চিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।